जिस बात का डर था वो सच निकली। सीमा हैदर की कीमत अब पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं को चुकानी पड़ रही है। पाकिस्तान के कट्टरपंथियों ने सिंध प्रांत में एक प्राचीन मंदिर पर रॉकेट लॉन्चर से हमला कर दिया। ये मंदिर सैकड़ों साल पुराना था। पाकिस्तानी कट्टरपंथी यहीं नहीं रुके, उन्होंने 30 हिंदुओं को बंधक भी बना लिया। जिन 30 हिंदुओं को बंधक बनाया गया है उनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के कुछ आतंकवादियों ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी की थी। इस वीडियो में इन आतंकियों ने भारत को धमकी दी थी। इन आतंकियों ने कहा था कि अगर भारत सीमा हैदर को वापस नहीं भेजेगा तो ये आतंकी पाकिस्तान में रह रही हिंदू लड़कियों को सबके सामने मार देंगे। आपको बता दें कि पाकिस्तान के कट्टरपंथियों ने मंदिर पे तो रॉकेट दागे, लेकिन इसके अलावा इलाके में रहने वाले हिंदुओं के घरों में भी तोड़फोड़ कर दी। कई स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस चुपचाप ये सारा तमाशा देखती रही। ये कट्टरपंथी हिंदू इलाके में घुसे और अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। इन कट्टरपंथियों ने जैसे ही गोलियां चलाई पुलिस वहां से भाग गई। इस इलाके की पुलिस ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। हैरानी की बात देखिए कि कट्टरपंथी पुलिस के सामने ही दोबारा हमला करने की धमकी भी दे गए थे। आपको बता दें कि जब से सीमा हैदर भारत आई है तभी से पाकिस्तान के कट्टरपंथियों के निशाने पर वहां के हिंदू आ गए हैं। अब तो सड़क पर चलने वाला आम पाकिस्तानी भी अपने देश में बचे खुचे हिंदुओं को और भी ज्यादा नफरत से देख रहा है।